जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों संडे स्पेशल ओटीटी अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर कुछ नई ओटीटी अपडेट्स जो मेरे पास आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा जिन ओटीटी अपडेट्स के लिए आपने कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स डाले थे, कोशिश करूंगा उन्हें भी कवर करने के लिए। तो वीडियो को पूरा सुनना, स्किप मत करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो, और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, जहां पर ओटीटी अपडेट्स के साथ साथ मैं आपको वीकली क्या कुछ रिलीज होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करता रहता हूं। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे अगर मेरे साथ कनेक्ट कर लोगे तो वहां बात भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी चैनल पेज पे, टेलीग्राम के ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हो, और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आदि पुरुष मूवी की। दोस्तों आदि पुरुष मूवी की अपडेट मैंने कल आपको प्रोवाइड करी थी कि जो इसकी ओटीटी रिलीज होगी वो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे होगी, और इस वजह से काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आने लगे कि लोगों ने इसका जो स्ट्रीमिंग पार्टनर है वो नेटफ्लिक्स देखा है सिनेमाज में। तो दोस्तों मुझे भी लगा कि ये अमेजॉन प्राइम वीडियो की इतनी बड़ी न्यूज के बाद नेटफ्लिक्स कैसे शो होना चालू हो चुका है सिनेमाज में। तो दोस्तों मैंने फिर इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की है, और अब जो नई अपडेट मेरे पास निकल गई है वो ये है कि आदि पुरुष के राइट्स दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, जहां हिंदी के राइट्स नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिलेंगे, वहीं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को में इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। तो अगर आप साउथ इंडियन बेल्ट में इस मूवी को देख रहे हैं, जो मेरे पास अपडेट है वो ये है कि वहां पर अमेजॉन प्राइम वीडियो शो हो रहा है, एंड जो भी सिनेमाज में रिलीज इसका हिंदी में हो रहा है वहां पर नेटफ्लिक्स पे शो हो रहा है। मेरी इस अपडेट को करेक्ट चेक कर लेना, अगर आपने साउथ इंडियन अपडेट में इसको देखा है या साउथ इंडियन बेल्ट में इसे देखा है तो मेरे को प्लीज करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों साइड से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। तो अब जो अपडेट है वो ये है कि जैसे RRR के दो हिस्सों में डिवाइड किए गए थे राइट्स हिंदी और साउथ इंडियन, तो दोस्तों हिंदी राइट्स नेटफ्लिक्स पे हैं, और जो इसका हिंदी टीवी प्रीमियर भी होगा वो सोनी मैक्स के चैनल पे होगा। और दूसरी तरफ जो अपडेट निकली है वो ये है कि इसकी साउथ इंडियन जो है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। बहरहाल बात करें इसके रिलीज की, तो रिलीज सिर्फ 8 हफ्ते में ही हो जाएगी इसकी, यानी कि 11 अगस्त के आसपास इसे नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पे रिलीज कर दिया जाएगा। अभी तक की यही अपडेट है, कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी से ये मूवी गुजर रही है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों विरूपक्षा मूवी की, जिसकी आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि विरूपक्षा साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन हिंदी में अभी तक रिलीज इसे नहीं किया गया, और काफी सारे लोग इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक नई अपडेट के मुताबिक जी सिनेमा पर कमिंग सून सेक्शन में दोस्तों इसे डाला जा रहा है, और कई लोगों ने इसके प्रोमोस को भी चेक किया है कि विरूपक्षा हिंदी में जो है वो जी सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे कमिंग सून सेक्शन में आ रही है, यानी कि आपको विरूपक्षा हिंदी डब में Z5 पर देखने को मिल सकती है जब इसका टीवी प्रीमियर एक बार फिक्स हो जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर विरूपक्षा का जो है आप इंतजार कर रहे थे, थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है, टीवी प्रीमियर शायद पहले होगा, फिर इसे Z5 पे हो सकता है हिंदी में रिलीज किया जाएगा। लेकिन अब अगर आपको इसके ओटीटी का पहले इंतजार था तो वो शायद अब गड़बड़ नजर आ रही है, शायद अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ दोस्तों फास्ट एक्स मूवी को ऑलरेडी अब रिलीज कर दिया गया है हिंदी डब लैंग्वेज में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंटरनेशनल पे कनाडा में। तो दोस्तों जिन लोगों को इंतजार था कि उन्हें फास्ट एक्स या फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी हिंदी में देखने को कब मिलेगी, तो जुगाड़ प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी रिलीज हो गई है, और इंडिया में जो लोग इसे पैसे देख के सही लीगल प्लेटफॉर्म से देखना चाहते हैं तो ये बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे 30 जून को रिलीज हो रही है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और सारी साउथ इंडियन डब लैंग्वेजेस में भी। तो फास्ट एक्स इंडिया रिलीज जो है वो 30 जून को BMS के प्लेटफॉर्म पे, बुक माई शो पे, लेकिन ऑलरेडी अमेजॉन प्राइम पे इंटरनेशनल में हिंदी में कल रात से इसका वीडियो ऑन डिमांड रिलीज हो चुका है। तो जो भी आपको प्रिंट हिंदी में मिल रहे हैं वो ओरिजिनल प्रिंट्स हैं। इसके साथ दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ज़ुगाटो मूवी की अपडेट मुझसे मांगते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़ुगाटो मूवी की सारी अपडेट्स जो है वो कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि इस मूवी के रिलीज को अब होल्ड पे डाल दिया गया है, क्योंकि सोनी लिव के कुछ शोज थे जिन्हें अब सोनी लिव पहले रिलीज करने जा रहा है और उसके बाद शायद ज़ुगाटो मूवी को ये रिलीज करेंगे। तो अभी जो नई अपडेट है वो ये है कि जुलाई एंड से पहले ज़ुगाटो के रिलीज की कोई अपडेट मिलने के चांसेस नहीं है। तो अगर आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी आपको इंतजार और करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक नई अपडेट नेटफ्लिक्स की तरफ से निकल के आ चुकी है, जहां पर एक इंग्लिश मूवी जिसका नाम है दोस्तों हार्ट ऑफ स्टोन, जिसकी लीड में आपको गैल गैडॉट के साथ साथ देखने को मिलेंगी आलिया भट्ट, और इस मूवी को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे फिक्स कर दिया गया है 11 अगस्त रिलीज के लिए हिंदी डब लैंग्वेज में। हार्ट ऑफ स्टोन्स मूवी आपको 11 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे हिंदी, इंग्लिश और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ रिलीज होती हुई नजर आने वाली है 11 अगस्त से।
इसके साथ साथ दोस्तों जरा हटके जरा बच के इस मूवी के लिए आप लोगों के काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आ चुके हैं, क्योंकि मूवी सिनेमाज में काफी अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट इसकी एक सक्सेस पार्टी भी रिसेंटली हुई, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि मूवी इतना अच्छा बिजनेस करेगी। मूवी ने अच्छा बिजनेस कर दिया है और डेट भी ऑलमोस्ट निकल के आ चुकी है। मूवी रिलीज होगी जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे, और जियो सिनेमा पे जो इसकी रिलीज डेट है दोस्तों वो 28 जुलाई अभी तक कंफर्मेशन है जो निकल के आ रही है मीडिया हाउसेस एंड सोर्सेस से। तो जुलाई एंड तक का थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ सकता है आपको, जब आपको ये मूवी देखने को मिलेगी जरा हटके जरा बचके। इसके अलावा दोस्तों दो पंजाबी मूवीज के अनाउंसमेंट चौपाल टीवी की तरफ से आ चुकी है, जहां पर जट्टू निकट्टू ये एक मूवी है जिसे रिलीज किया जाना है अब चौपाल टीवी के प्लेटफॉर्म पे। इसे दोस्तों कमिंग सून सेक्शन में डाल दिया गया है और मोस्ट लाइकली इसी महीने आपको ये देखने को मिलने वाली है एंड ऑफ जून में। इसके अलावा आप लोग जानते हैं अन्नी दया मजाक है मूवी को, तो आप 23 जून यानी 23 जून इसी हफ्ते देखने वाले हैं चौपाल टीवी के प्लेटफॉर्म पे इसे रिलीज किया जाएगा। बात करते हैं IB71 मूवी की, जिसकी लीड में आपको विद्युत जम्वाल देखने को मिले थे और रिलीज अभी तक नहीं हुई है ओटीटी पे, इंतजार कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों मैं ये बता दूं, इस मूवी के राइट्स हैं वो डिस्नी प्लस हॉटस्टार के पास हैं। डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे इसे 7 जुलाई को रिलीज किया जाएगा, ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने भले अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये न्यूज अब निकलकर आ चुकी है मीडिया हाउसेस की तरफ से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने सेल्फी मूवी को देखा था तो वो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे बिना अनाउंसमेंट के रिलीज हो गई थी, तो हो सकता है कि इस मूवी को भी बिना अनाउंसमेंट के लिए रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि सेल्फी और IB71 ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का बिजनेस किया था सिनेमा में, बहुत ज्यादा ये मूवीज नहीं चली थी। इसके अलावा दोस्तों द फ्लैश मूवी जो सिनेमाज में रिलीज हुई है 16 जून से, इसे आखिर कब रिलीज किया जाएगा दोस्तों ओटीटी पर, क्योंकि कई सारे ऐसे डीसी के फैंस हैं जो सिनेमा में इस मूवी को देखना नहीं चाहते और चाहते हैं कि ओटीटी पर रिलीज हो तो वो देख पाए। और दोस्तों अब इससे रिलेटेड एक नई अपडेट निकल के आ चुकी है, इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड यानी वीओडी पर अब 4 अगस्त यानी 4 अगस्त को इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, यानी अब से ऑलमोस्ट 1.25 महीने बाद अगस्त 4 को आपको ये मूवी इंग्लिश में वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलेगी। और दोस्तों उसके बाद इस मूवी को हिंदी डब में कब रिलीज किया जाएगा, दोस्तों हिंदी डब में इस मूवी को जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा 16 सितंबर यानी 16 सितंबर के आसपास, और उससे उसी टाइम पे इसे HBO Max पे रिलीज किया जाएगा और फिर जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाएगा। तो अगर आपको इस मूवी का इंतजार है तो अभी आपको हिंदी में सितंबर में देखने को मिलेगी, लेकिन अगस्त स्टार्टिंग में आपको वीडियो ऑन डिमांड पे इंग्लिश में देखने को मिलने वाली है द फ्लैश। इसके अलावा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की एक कंफर्म्ड अपडेट निकलकर आ चुकी है। इस मूवी को दोस्तों अब जो रिलीज किया जा रहा है वो रिलीज किया जा रहा है 7 जुलाई को, इसे रेंटल पे रिलीज किया जा रहा है, यानी कि डीवीडी वीओडी पे आ जाएगी ये इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हिंदी लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हिंदी लैंग्वेज की जो इसकी डेट है वो है August 7, यानी कि जब वीओडी पे रिलीज होगी 7 जुलाई को इंग्लिश में, उसके 1 महीने बाद हिंदी डब लैंग्वेज में भी इसे रिलीज किया जाएगा डिस्नी प्लस और डिस्नी हॉटस्टार में, जिसकी डेट 7 अगस्त के आसपास रहेगी, 7 अगस्त 10 अगस्त के बीच में जो भी वेडनेसडे पड़ेगा उस दिन इसे रिलीज किया जाएगा। वेडनेसडे को जनरली रिलीज करते हैं डिस्नी प्लस हॉटस्टार वाले मूवीज। इसके अलावा द बूगी मैन जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, इसके लिए आप लोगों के काफी सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि मूवी सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है काफी टाइम पहले, अभी तक भी कुछ ज्यादा अच्छे प्रिंट्स इसके मार्केट में अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हुलू के प्लेटफॉर्म पे इस मूवी को अगस्त 2023 में रिलीज किया जाना है, यानी अगस्त के मंथ में इसे हुलू पे ओरिजिनल प्रिंट में ओटीटी इसका प्रीमियर किया जाएगा। लेकिन अभी इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है कि इसको वीओडी पे कब रिलीज किया जाएगा, तो वीडियो ऑन डिमांड पे इसे जुलाई के मंथ में ही फर्स्ट वीक में बूगी मैन को वीओडी पे रिलीज किया जाएगा, जहां इसे हिंदी में भी रेंटल पे डाल दिया जाएगा, ऐसी अपडेट अभी तक है मेरे पास। तो बूगी मैन के अगर आपको इंतजार है तो इस महीने आप बस पास करिए, इसके बाद आप 10 जुलाई के आसपास इसको वीओडी पे हिंदी में देख पाएंगे रेंटल बेसिस पे, और उसके बाद इसको कब अमेजॉन प्राइम पे फ्री किया जाएगा, हिंदी में रिलीज किया जाएगा, वो दोस्तों उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऑफकोर्स रिलीज बहुत जल्दी होने वाली है। अब बात करें बड़ी रिलीज द केरला स्टोरी, आखिर इसे कब रिलीज किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं द केरला स्टोरी मूवी जो कि सिनेमाज में रिलीज हुए अब 2 महीने होने जा रहे हैं एग्जैक्टली 7 जुलाई को, और Z5 की अगर आप स्लेट देखेंगे जहां 23 जून को किसी का भाई किसी की जान रिलीज होने जा रही है, मीडिया हाउसेस के मुताबिक चले तो 30 जून को लक्कड़बग्गा मूवी रिलीज होने जा रही है, और अब एक्सपेक्टेड जो है वो ये है कि द केरला स्टोरी को 7 जुलाई को Z5 के प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। Z5 वालों ने अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट आएगी चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन जो अभी तक मीडिया हाउसेस की कंफर्मेशन आ रही थी पहले, जो कि 23 जून के आसपास थी,
जिसे मैंने अब नकार दिया था कि इसे इतनी जल्दी रिलीज अभी नहीं किया जाएगा, तो अब इस मूवी का एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 7 जुलाई है, जिस दिन आपको द केरला स्टोरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स जो मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। टाइम कम था तो मैंने वीडियो बना दिया फेस कैम वाला, तो इसके साथ पिक्चर्स में जाके आप देख सकते हो। जोन सी भी आपको अपडेट चाहिए वो देख लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पे मुझसे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ, बिजी होता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स लेट ही सही आता जरूर है। और इसके अलावा टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का लिंक यूट्यूब के चैनल पे। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।